हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एंड आज मैं लेकर आई कुछ डिफरेंट वीडियो जो मैंने मेरे चैनल पे कभी किया नहीं है। सो बेसिकली बेबी रिलेटेड वीडियो है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या क्या एसेंशियल आइटम्स होते हैं उसके लिए वीडियो है। सो इसके आइटम्स के साथ साथ मैं कुछ उनके रिव्यूज़ भी शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि हमने इसमें से काफ़ी सारी चीज़ हमने यूज़ करी हुई है एंड इनके क्वालिटी कैसी है, क्या है, वो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो मेरे चैनल पे अगर आप और भी बेबी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल बटन को बीट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो न्यू बॉर्न बेबी के लिए इतनी सारी चीज़ें, आई मीन एसेंशियल चीज़ें ही इतनी सारी हो जाती है कि ये वीडियो ज़रा सा लंबा हो सकता है। एंड मैं इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें यूज़ की है उनके रिव्यूज़ भी बताती जाऊँगी एंड उनके सबके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूँगी। सो अगर आप चाहें तो वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। सो पहला जो एसेंशियल आइटम है वो है ऑब्वियसली क्लोथ्स। सो न्यू बॉर्न बेबी के लिए ट्राई करें कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाले, कम्फर्टेबल वाले, कॉटन वाले क्लोथ्स आप रखें। अब क्लोथ्स में काफ़ी लोग वनजीज एंड रोम्पर्स भी पसंद करते हैं बेबी को पहनाना, बट वो तभी यूज़फुल है जब आप बेबी को डायपर पहना रहे हो। अगर आप बेबी को डायपर नहीं पहना रहे तो बेबी जो है बार बार सुसु करके उन कपड़ों को बार बार गीला करता रहेगा। उस सिचुएशन में आप नॉर्मल कॉटन के होजरी मटेरियल के जो झबलास आते हैं एंड नैपीज आते हैं, लंगोट जिसको बोलते हैं, बेबी को पहना सकते हो। इसलिए आप इस तरीके के कॉटन के लंगोट ट्राई कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मार्केट में भी मिल जाएंगे, कॉस्ट कैसे भी हमने लिए थे, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बेबी हक के जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो आप वो ब्रांड ज़रूर चेकआउट कर सकते हो अपने आपके बेबी के सामान के लिए। एंड अगर आप अमेज़ॉन से ट्राई कर रहे हो तो अमेज़ॉन से लवलैप के ब्रांड की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये तो हमने लोकल मार्केट से लिया था, बट मैं बेबी हग वाले का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं। ट्राई करिए कि जो कपड़ों का मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कॉटन हो, होजरी हो, मसलिन हो, ताकि बेबी को कोई भी रैशेज या कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स ना हो। टॉप के लिए आप ट्राई कर सकते हो कुछ इस तरीके का। हमने फुल स्लीव्स का लिया था, अगेन ये फर्स्ट ट्राई से लिया था, बेबी हग ब्रांड का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके हल्की हल्की ठंड पड़ती है या विंटर सीज़न है या फिर मॉनसून है तो आप इस तरीके के फुल स्लीव्स वाले डाल सकते हो बेबी को, ताकि उनको ठंड ना लगे। ये हमने थ्री पीस का सेट लिया था कि आपको फर्स्ट क्राई में मिल जाएंगे। अगेन मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको हमने बहुत यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा वॉश भी किया है, बट आप चेक देख सकते हो कि ये वैसा का वैसा ही है, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लंगोट में आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये इस तरीके का सुपर बॉटम ब्रांड का है। इस तरीके का सुपर बॉटम ब्रांड का आपको मिल जाएगा, जो कि है ड्राई फील लंगोट। सो बेसिकली इस तरीके का आता है जिसमें अगर बेबी सुसु भी कर दे तो ये अंदर का कपड़ा है वो ड्राई रहता है एंड बेबी को गीला ना लगे। सो आप इस तरीके का भी चेकआउट कर सकते हो। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल गया था। ये अगेन थ्री के पैक में आते हैं, मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड अगर विंटर्स है, आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, विंटर्स है, तो आप इस तरीके के स्वेटर भी बेबी के लिए ज़रूर रख ले। ये भी एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को ठंड काफ़ी जल्दी लग जाती है, तो ये इस तरीके के स्वेटर्स आप बिल्कुल रख लीजिए। तो हमने लोकल मार्केट से लिया था, स्क्राइ से बेबी हक का थर्मल वेयर भी लिया हुआ है। मैं उसका पिक यहाँ पर अटैच कर दूँगी, आप चेक कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में सही है। तो आप इस तरीके का विंटर वेयर बेबी के लिए ज़रूर रखिए। नेक्स्ट जो एसेंशियल आता है वो है स्वाडल क्लॉथ। सो बेसिकली जो बांधने का कपड़ा रहता है बेबी को, बांधने का कपड़ा, वो स्वाडल क्लॉथ के लिए ये जो इस तरीके का बेबी हक ब्रांड का स्वाडल क्लॉथ आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये भी एक मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मसलिन क्लॉथ है एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये भी हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है एंड आप देख सकते हो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगेन ये भी मैंने एक और ब्रांड का लिया था अमेज़ॉन से, ये इनकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये आई थिंक 3 या 4 के सेट में आते हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं।
बट स्वाडल क्लॉथ्स आप जो भी ले, बहुत ज़्यादा अच्छी मटेरियल का, एकदम मलमल के कपड़े का ले, ताकि वो बेबी को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो। स्वाडल क्लॉथ्स में इस तरीके के रेडीमेड स्वाडल क्लॉथ्स भी आते हैं, आप चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगेन ये बेबी हग ब्रांड का है, ये इस तरीके से इसमें ऑलरेडी यू नो नीचे से पैक आता है, एंड आपको बेबी को इसमें डाल के इस तरीके से रैप कर देना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो आते हैं आप इस तरीके के जो यहाँ पर बांधने वाले होते हैं वो आप ज़रूर रखें, मैं इनका नाम भूल गई क्या बोलते हैं, बट इस तरीके के आप ज़रूर ले लीजिएगा अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए। बच्चे जो है नो थोड़ी बहुत उल्टी कर देते हैं, थोड़ा बहुत दूध निकाल देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर आप बांध सकते हैं, मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, सो बेबी को काफ़ी ज़्यादा यू नो कम्फर्टेबल रहेगा। अगेन ये भी है बेबी हग ब्रांड से, अमेजोन से भी लिए थे बट वो मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, बट इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट आते हैं रैपर्स पर, सो मैंने अमेजोन से इस तरीके के रैपर्स लिए थे जिसमें ना आप बेबी को कहीं बाहर लेके जा रहे हैं या इवन घर पे भी अगर रखते हैं तो इसमें आप रैप करके रख सकते हैं। अगर आपको यू नो फुल स्वाडल नहीं करना है, फुल बांध के नहीं रखना है, तो आप इसमें रैप करके यू नो रख सकते हो। ये भी आया था 3 का सेट, मैंने अमेजोन से लिया था। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा से रुए रुए हो गए, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट यू नो ना काम ज़रूर कर देता है। अगेन इसमें बेबी ने अगर सुसु कर दी है तो ये मटेरियल ऐसा है कि ये ना एब्जॉर्ब कर लेगा एंड बेबी को बिल्कुल भी गीला नहीं फील होगा। इस तरीके के रैपर्स रख सकते हैं अपने बेबी के लिए। नेक्स्ट जो बेबी एसेंशियल आता है वो है ये क्विक ड्राई शीट, लिए इस तरीके की शीट होती है एंड इसके जो ऊपर का जो मटेरियल है वो पानी है, सुसु है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड जो पीछे का मटेरियल है वो प्लास्टिक टाइप में है जो कि यू नो उसको नीचे नहीं आने देता। बेसिकली ये यू नो एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी सुसु है उसको, एंड ये काफ़ी जल्दी से ड्राई भी हो जाता है। सो आप इस तरीके की क्विक ड्राई शीट ज़रूर रखिए, आपको बहुत ज़्यादा हैंडी आएगी। मैंने ये अमेजोन से भी मंगाए थे, डिफरेंट ब्रांड का नाम मेरे को याद नहीं है, एंड मैंने फर्स्ट क्राई से भी मंगाए थे बेबी हग ब्रांड का। दोनों की क्वालिटी सिमिलर है, सब कोई भी ले सकते हो। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आपको मिल जाते हैं। ये सब जो साइज़ है वो सबसे स्मॉल साइज़ है, ये साइज़ का आता है, ये सबसे स्मॉल साइज़ है। इसमें बहुत सारे साइजेस आपको मिल जाएंगे, अगर आपको फुल बेड पे बिछाने के लिए चाहिए तो आपको वो साइज़ भी इसमें मिल जाएगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी मिल जाते हैं। ये जो चीज़ है वो आपके आप ज़रूर रखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो बेबी एसेंशियल आता है वो है बेबी वाइप्स। तो मैंने ये लव लैब का बेबी वाइप्स लिया था जिसमें विटामिन ई एंड एलोवेरा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बेबी की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड रैशेज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बेबी जब पॉटी करता है तो बम साफ करने के लिए आप ऐसे वाइप्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, रादर देन जो कपड़ा है आप वो यू नो गीला करके देन यूज़ करो, उससे काफ़ी बार रैशेज़ के चांसेस हो जाते हैं, बट वाइप से नो रैशेज बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड बेबी की स्किन जो एकदम नाजुक होती है उसके लिए वाइप्स काफ़ी ज़्यादा जेंटल है। काफ़ी सारे ब्रांड के वाइप्स आते हैं, मैंने लव लैब के लिए थे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो इसमें आपको 3 का सेट, 6 का सेट, 12 का सेट मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से यू नो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल आता है बेबी के लिए, वो है बेबी मिटन, सॉक्स एंड कैप्स, तो आपको सेट में मिल जाते हैं। मैंने अमेजोन से लिए थे, उनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार थी, फिर मैंने फर्स्ट क्राई से लिए थे बेबी हग ब्रांड के कुछ इस तरीके के, इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एसेंशियल आता है बेबी के लिए एक बेबी बेड, ये भी हमने फर्स्ट क्राई से लिया था, स्टोर से लिया था, बट इसका लिंक अगर मुझे मिल जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इसकी पिक्चर यहाँ पर अटैच कर दूँगी। सो बेसिकली हमने यू नो बड़े साइज़ का बेड लिया था जिसमें जो नेट है वो लगी हुई होती है, नेट काफ़ी ज़्यादा यू नो हेल्पफुल होती है ताकि बेबी को मच्छर वगैरह ना काटे, सो इस तरीके का हमने बेड लिया था, एंड अगेन इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बेबी के लिए एसेंशियल हो जाते हैं वो है सोप, बेबी क्रीम एंड नैपी रैश क्रीम। सो अगर आप नैपीज बना रहे हैं तो नैपी रैश क्रीम ज़रूर रखिए। ये जो चीज़ें हैं ये आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, बट जो हमने यूज़ की थी एंड जो डॉक्टर सजेस्टेड है वो है बी फॉर यू की बेबी रैश क्रीम, सेबामेड की बेबी लोशन, टेडी बार का बेबी सोप। सो ये हमने ली थी, मैं आपको पिक्चर अटैच कर दूँगी, आपको पता चल जाएगा। बट इस ये सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछिएगा, वो आपको सजेस्ट कर देंगे काफ़ी ज़्यादा नो काफ़ी ज़्यादा जेंटल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी रहेगी। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा,
एंड अगर आपको इस तरीके की कुछ और बेबी सीरीज़ मेरे चैनल पे देखनी है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आई नो वीडियो ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया है, बट यू नो बेबी की एसेंशियल चीज़ें ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वीडियो लंबा हो जाता है। तो वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।